जहां पर ये शटर है इसके अंदर से करोड़ों रुपए की सोने की डायमंड की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। दिल्ली के पौश इलाके निजामुद्दीन में एक ज्वेलरी की दुकान के अंदर करोड़ों रुपए की चोरी की गई है और इस चोरी को बेहद एक पूरी की पूरी साजिश रचकर अंजाम दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं निजामुद्दीन में और निजामुद्दीन में ये उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की जो आप दुकान देख रहे हैं, फिलहाल मैं आपको अंदर की यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। अंदर इस वक्त क्राइम टीम मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद हैं और पूरी तरीके से इंस्पेक्शन इस शोरूम का किया जा रहा है। असल में जो यहाँ के मालिक हैं उनके मुताबिक रविवार की रात को इस शोरूम को जब वो बंद करके यहाँ से गए, सोमवार की छुट्टी होती है, और आज जब उन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आप सामने जितने ये काउंटर्स देख रहे हैं जहां पर ज्वेलरी रखी होती है सब पूरी तरीके से खाली थे। दुकान के मालिक के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, आप इधर भी देख सकते हैं कुछ काउंटर है जहां पर अभी सामान रखा हुआ है, पुलिस की टीम अंदर अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है। असल में शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं इसके ऊपर जो छत है, बगल की छत से चोर इस बिल्डिंग की छत में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जो जीने का दरवाजा होता है, हालांकि उसमें अंदर से ताला लगा होता है, लेकिन वो उस दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाजे को तोड़ने के बाद वो सीधा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी रखी होती है, जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी होती है, डायमंड की ज्वेलरी होती है, दुकान के मालिक के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जितने सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए थे उनके डीवीआर को पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, ये कौन चोर है, क्या ये पहले से जानते थे कि सोमवार को दुकान बंद रहती है, किस तरीके से बगल की दुकान से इस शोरूम के अंदर इन्हें एंट्री करनी है छत के रास्ते, और ऐसा तभी संभव है जब किसी ने पहले से रेकी करी हो। क्या कोई दुकान का कर्मचारी इसमें शामिल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा चोर जिसने बाकायदा पहले जो आसपास की छतें हैं यहां से रेकी करी हो, यह पता लगाने की कोशिश करी हो कि अगर इस शोरूम के अंदर किसी वारदात को अंजाम देना है तो किस तरीके से वो बगल की छत से इस शोरूम में एंट्री कर सकता है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर है, जितने रिश्तेदार हैं जो यहाँ के मालिक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। लेकिन जिस हैरतअंगेज तरीके से छत के रास्ते ये लोग इस शोरूम के अंदर जाते हैं और फिर नीचे आके करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, उससे यही लगता है कि चोरों को पहले से पता था कि यहाँ पर कितनी ज्वेलरी है, किस तरीके से रेकी करके करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करना है। इसी थ्योरी को लेकर फिलहाल पुलिस चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दिनेश जबांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में चोरों ने जिस चतुराई से करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, इस वक्त उस ज्वेलरी शोरूम के सामने एक छत पर मौजूद है और यहां से हम आपको पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। मेरे पीछे ये जो सामने आप ज्वेलरी शोरूम देख रहे हैं काफी पुरानी बड़ी दुकान है, उमराव सिंह ज्वेलर्स के नाम से ये दुकान है और जिसका पहले नाम श्री महावीर राय नमा ज्वेलर्स, जैन ज्वेलर्स के नाम से यहां पर ये शोरूम हुआ करता था। फिलहाल आप देख सकते हैं नीचे तमाम यहां पर भीड़ लगी हुई है और जहां पर ये शटर है इसके अंदर से करोड़ों रुपए की सोने की डायमंड की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस ने सीसीटीवी का जो डीवीआर था उसे अपने कब्जे में ले लिया है, उसे सीज कर लिया है, सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालेगी और फिलहाल इस शटर के अंदर क्राइम टीम और पुलिस मौजूद है जो कि पूरी तरीके से इंस्पेक्शन कर रही है कि क्या क्या चोरी हुई है, किस तरीके से चोरी हुई है, वहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये जो सामने आप छत देख रहे हैं कि चोर जो है वो आस पड़ोस की किसी छत से, ये जो सामने आप लोहे का जीना देख रहे हैं इससे इस जो ज्वेलरी शोरूम है इसकी छत पर दाखिल होते हैं और सामने जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है लोहे का, वो अंदर से बता रहे हैं कि उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन चोरों ने प्रॉपर पहले रेकी की थी कि किस तरीके से इस ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है।
वो इस जीने के रास्ते आस पड़ोस की छत से इस छत पर कूदते हैं। कूदने के बाद जो बिल्कुल सामने आपको जीना नजर आ रहा है, जो जीने के बगल में दरवाजा है उस दरवाजे को तोड़ते हैं, तोड़कर वो नीचे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और वहां से जो ज्वेलरी रखी होती है सोने की और डायमंड की उस पर हाथ साफ कर लेते हैं। जो यहाँ के शोरूम के मालिक हैं उनका ये कहना है कि रविवार की रात को वो अपनी दुकान अपना शोरूम बंद करके यहाँ से गए थे और सोमवार को यहाँ की छुट्टी होती है मार्केट की, तो शोरूम बंद था। जब आज वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है ऊपर का और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी जो है उनके मुताबिक तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। अब हैरानी इस बात की है कि बिना किसी जानकारी के बिना रेकी करे कोई इतने बड़े शोरूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पौश इलाका है निजामुद्दीन का, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चोर थे वो पहले से इस इलाके से इस शोरूम से वाकिफ थे। क्या कोई यहाँ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई पूर्व कर्मचारी हो सकता है जिसने प्रॉपर रेकी की, आस पड़ोस की छत से वो इस शोरूम की छत पर दाखिल हुआ, दरवाजा तोड़कर नीचे गया और करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खुद डीसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्राइम टीम पहुंची हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और साथ ही सीसीटीवी का जो डीवीआर है उससे आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आस पड़ोस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आप? यज्ञदत्त कौशिक। कौशिक जी ये बताइए कि जो ये चोरी हुई है इसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको शुरुआत? इसके बाद सुबह मैं जब मंदिर जा रहा था तब मेरे को जानकारी मिली कि ऐसे महावीर जी की दुकान पे चोरी हो गई है। फिर जब मैं यहाँ आया मौके पर देखा तो पता चला कि चोरों ने अनबन, हमें तो ये शक था कि शायद शटर तोड़ के चोरी किया, लेकिन शटर नहीं तोड़ा है, ये ऊपर से ही जाकर उन्होंने अंदर से चोरी करी है। मतलब दीवार स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़ के चोरी की गई है, क्योंकि वो दीवार भी टूटी है स्ट्रांग। हाँ जी हाँ, वो बहुत सॉलिड दीवार होती है, छोटी मोटी दीवार नहीं होती, देखते लेंटर ही होता है वो पूरा, और उसे तोड़ना तो आसान नहीं है, यानी कि वो प्रोफेशनली चोर है जो भी है जिन्होंने मतलब चोरी की है, कोई नए ऐसे चोर नहीं लग रहे हैं। क्या लगता है सर आपको कि अगर कोई इस तरह से पूरी रेकी करके अगर कोई चोरी कर रहा है तो कोई पहले से ऐसा होगा जिसने रेकी करी हो, या फिर कोई पुराना आदमी हो सकता है जो जानता हो कि कहां पर क्या सामान रखा है? कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिना जानकारी के चोरी नहीं हुई है, ये जानकारी तो है, जिसने भी चोरी की उसे कुछ जानकारी तो है, क्योंकि एक दिन या दो दिन का काम नहीं है, इसके अंदर उन्होंने कम से कम हफ्ता दस दिन महीना भर लगा होगा इस काम को करने में। आप सबकी भी यहाँ दुकानें हैं, आप लोगों को ये जो चोरी आपने सुनी कि करोड़ों की चोरी हो गई, पौश इलाका है, आपको अब क्या पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? भाई ये सुरक्षा ही चाहेंगे, क्योंकि ये चोरी जो है हमारे आसपास के क्षेत्र में इससे बड़ी कोई चोरी अभी तक सुनने में नहीं आई है और ना ही हुई है, तो नेचुरल सी बात है कि आम बाजार से तो यहाँ होती रहती है छोटी मोटी चोरी की। अभी फरवरी में ही हमारे जंगपुरा भगवान शिव मंदिर जंगपुरा रोड पर स्थित है उसमें चोरी हुई थी, उनके सारे भगवानों के छतर मुकुट और भगवान शिव की जलहरी चांदी सारी चौंदी चोरी करके ले गए, तकरीबन 25-30 लाख रुपए का सामान था वो चोरी हुआ, अभी उसका भी कोई मतलब जानकारी नहीं मिल पाई है, चोर नहीं पकड़े गए। सीनियर सिटीजन भी यहाँ काफ़ी रहते हैं, आप लोग भी यहाँ पर अपना काम करते हैं, इस चोरी के बारे में क्या जानकारी? ये तो खुद ही बताएंगे इन लोगों स्टाफ, कौन है कौन गायब है कौन है, बगैर इसकी जानकारी के नहीं होते। कोई ऐसा होता है जो जानकारी रखता हो? कोई ना कोई नौकर भी जानकारी रखता होगा। देखिए बिल्कुल ऐसे कई केसेस में हमने ये देखा है कि अगर कोई बड़ी चोरी होती है किसी शोरूम में तो या तो कोई पुराना कर्मचारी या हाल फिलहाल में जिसने काम किया। देखिए फिलहाल क्राइम टीम छत पर पहुंची है, क्राइम ब्रांच की टीम जो है, जो क्राइम टीम यहाँ पर सबूत जुटाने के लिए पहुंची है वो छत पर पहुंची हुई है। आस पड़ोस से क्योंकि बताया जा रहा है, ये देखिए बगल की तरफ इशारा कर रहे हैं पुलिस वाले कि इस बगल की छत से चोर जो है वो इस छत के ऊपर दाखिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका हो सकती है, और उसी के सबूत जुटाने के लिए फिलहाल क्राइम टीम जो है वो इस शोरूम की छत पर पहुंची हुई है और ये पता करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से चोर जो है वो आस पड़ोस से इस शोरूम की छत पर दाखिल हुए होंगे, फिर सामने लोहे का जो जीना है उससे नीचे पहुंचे होंगे और जो आप दरवाजा देख रहे हैं सामने जो खुला हुआ है उस दरवाजे को तोड़कर जो चोर हैं वो नीचे गए होंगे और फिर उन्होंने न केवल चोरी की वारदात को अंजाम दिया बल्कि शोरूम में एक स्ट्रांग रूम है जहां पर मजबूत दीवार होती है उसके अंदर काफी ज्वेलरी रखी हुई थी, उसमें बड़ा छेद किया, तोड़ा उसे और वहां से भी उन्होंने करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इलाके के लोग बता रहे हैं कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई शामिल हो सकता है जानकार, जिसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ेगी। फिलहाल क्राइम टीम इस वक्त इस शोरूम की छत पर मौजूद है और एक एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल फोन से फोटोग्राफ ली जा रही हैं और आस पड़ोस से अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पीछे से कोई आ सकता है या फिर लेफ्ट वाली छत, क्योंकि हाइट की बराबर की छत है, वहां से किसी ने एंट्री की हो सकती है और वो नीचे गया होगा, लेकिन
क्या कोई पूर्व कर्मचारी इस बड़ी चोरी की वारदात के अंदर शामिल हो सकता है? कोई हाल फिलहाल में ऐसा शख्स हो जिसने नौकरी छोड़ी हो, या फिर किसी तरह की कोई दुश्मनी हो, कोई जानकार हो, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? इसको लेकर पुलिस की टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस वक्त आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।